अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने देश के नवीन संसद भवन परिसर में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में रामचरण पादुका की स्थापना करने का निवेदन किया है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पत्र लिखा है कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश का नवीन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। भारत की स्वतंत्रता के समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं भारत सरकार के मध्य सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक जो कि 2600 वर्ष पूर्व के चोल राजवंश के राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने की योजना स्वागत योग्य है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने लिखा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लेकर भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक ने देश में राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का स्वप्न देखा था। अतः राम राज्य की सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक रामचरण पादुका को नवीन संसद भवन परिसर में स्थापित किए जाने का निवेदन है। यदि ऐसा किया जाना संभव है तो यह पारदर्शी समदर्शी निष्पक्ष राम राज्य की सनातन धर्मी विचारधारा का वास्तविक सम्मान होगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।